30 नंबर पे अपने वाइपर लिखा था, 29 ब्लैंक का था, 28 पे ब्लेड लिखा था, 27 अपना हनुमानगढ़ लिखा था, 26 फिर ब्लैंक का था, 25 पे जयपुर लिखा था, 24 अपने लिखा स्कॉर्पियो, 23 पे माइक लिखा था, 22 अपना ब्लैंक का था, 21 पे बात लिखा था, 20 नंबर फिर ब्लैंक, 19 पे अपने लिखा था ये जो ब्रूस। क्योंकि हम लोग अपने ब्रेन को एक चीज़ बार बार बताते रहते, बोले याद ही नहीं होते। और जितनी बार हम लोग ये बोलते रहेंगे ना याद ही नहीं होते, ब्रेन उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता हुआ चलेगा। और आदमी चाहे अपने उतने मेमोरी पावर को बढ़ा सकता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन को पॉजिटिव रख के। उसका पहले आपको छोटा सा डेमो बता दूँ, फिर आपको क्लास में मजा आने लगे। बाकी होता क्या है कि सबसे दुनिया का जो सबसे सरल काम है ना, वो है प्रवचन देना। आप किसी को पूछो, बोले सेना भर्ती में दौड़ा कैसे, मतलब पार कैसे करें या अपन लोग पास कैसे करें, तो जो व्यक्ति चल नहीं सकता ना, वो भी आपको 170 आइडिया देगा कि कैसे कैसे पास की जाती है। ठीक है, बोले चेस्ट नहीं बन रहा, तो जिसका खुद का सांस उठता वो भी आपको 117 तरीके बताता है। तो दुनिया का जो सबसे सरल काम क्या पता है क्या, वो है लोगों को प्रवचन देना। आप एक चीज़ पूछो, 70 उसका आइडिया बता दे। बीमार हो जाओ आप लोग, सिर्फ जूते खाने नहीं बताते, बाकी सारी दवाई बता देते हैं। तो हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। उससे पहले हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग बोर्ड पर कुछ लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड पर हम लोग कुछ काउंटिंग, कुछ नंबर्स लिखते हैं। तो ये बताएं कि नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखे जाएँ। 1 से लेकर 30 तक लिख लें, 11 से लेकर 40 तक लिख लें, 21 से लेकर 50 तक लिख लें। 1 से 30, 11 से 40, 21 से 50। अभी आप लोगों को डिसाइड करना है, डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से 40 भी हो सकता है, 21 से 50 भी हो सकता है, या 1 से 30 भी हो सकता है। 1 से 30 से लिख लें। ओके, ये अपने 30 नंबर लिख दिया। अब हमें यहाँ पे 30 अलग अलग ऑब्जेक्ट लिखने हैं। सर थे ना अभी यहाँ पे, सर नहीं, राइटिंग उनकी अच्छी है, मेरी तो खुद को समझ में नहीं आएगी। सर जैसे जैसे बच्चे बताते जाएं वैसे वैसे आप लिखते जाओगे। आप लोगों को सारी, मैं आप में से किसी को नहीं जानता, तो एक काम कीजिए, पीछे से 5 भैया खड़े हो जाएं, कोई भी 5 मेंबर कोई भी खड़े हो जाएं। हाँ, 3 शाबाश, 2 और खड़े हो जाओ, 1 और हो जाओ, अरे हो जाओ, मैं आपसे ऐसी चीज नहीं पूछूंगा जो आपको नहीं आती। चलो ओके, अब सुनो, मैं आप में से किसी को नहीं जानता, चाहे आपके नाम याद करने हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर के नाम याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, भाई नाम नाम ही होता है, मैं आपको भी नहीं जानता। तो सबसे पहले बेटा आपका नाम क्या है? सुरेश। अब सुरेश नाम हम लोगों को लिखना है, 1 से लेकर 30, तो कोई भी नंबर चूज कर लो। सर मेरा नाम इस नंबर पे लिखा जाए, 15 पे लिख दो सर सुरेश, बैठ जाओ आप। नेक्स्ट शक्ति सिंह, किस नंबर पे लिखना है? 5 नंबर पे लिखो शक्ति। नेक्स्ट नंबर अकरम लिखो 17 पे सर। अजीत, नंबर 9 नंबर पे लिखो सर अजीत। रोहित, एक रोहित, ओके, जिसने बता दिया वो बैठ जाओ। अब 5 और खड़े हो जाओ, 1 2, हाँ ठीक, ओके आप हो गए। अब आपको 5 नहीं, हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। आपको 5 किसी जगह के नाम बताने, कोई स्टेट, कोई कंट्री, कोई विलेज, कोई डिस्ट्रिक्ट, एनी वे कोई भी हो सकते हैं, बताते जाओ। आगरा नंबर 7 नंबर पे लिखो सर आगरा। हनुमानगढ़ नंबर 27 पे लिखो हनुमानगढ़। भारत नंबर 21 पे लिखो सर भारत। ग्वालियर नंबर 12 नंबर पे लिखो सर ग्वालियर। बैठ जाओ, जिसने बता दिया वो बैठ जाओ, ताकि अपन को बता रहे हैं कौन कौन रह गए। जयपुर नंबर 21 हो चुका है, ध्यान दीखिए। 25 पे लिखो सर जयपुर। बिहार नंबर 2 नंबर पे लिखिए सर बिहार। ओके चलो, इधर से 5 खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ, कुछ थोड़ी लगवा रहे हैं। हाँ 5 का मैंने 25 नहीं कहा, 5 सिर्फ 5। ओके आपको वो चीजें बता दो जो आपके यहाँ पे कैंपस में काम में आती हैं। नंबर 1 बताते जाओ, लठ नंबर
तीन नंबर पे ले गए अलर्ट माइक माइक नंबर 23 पे लिखे सर माइक गाली लिखा दे गाली नहीं नहीं सिंसिटिव पर आपके वीडियोस बन रहा है क्या होता है स्प्रिंट हाँ शूट लिख दो शूट नंबर नंबर 14 पे शूट नहीं ये ऑब्जेक्ट लिखवाने अपने को ऑब्जेक्ट डंबल डंबल कुछ काम में आते हो जूते नंबर 16 नंबर भी लिखो तो सर जूते ओके चलो पांच मेंबर और खड़े हो जाएं पांच छह सात हो जाओ एक बार चलो ये वाले हो जाओ ना बीच में सेकंड होंगे क्या कि डस्ट पड़ेगी थोड़ी मिट्टी उड़ती है ठीक है ये वाले हो जाओ बैठ जाए आप बैठ जाए हो जाओ बेटा दो तीन और हो जाओ ना हाँ आपको वो पाँच सात चीज़ें लिखा दो जो घर पे काम में आती हैं मार्केट में मिलती है मतलब ऑब्जेक्ट जो चीज़ें हो गई लिखाते जाओ साबुन नंबर सिक्स नंबर पे लिखे सर साबुन अरे जोर से बोल दो थोड़ा सोप हाँ शाबाश कोलगेट नंबर दस नंबर पे लिखे सर कोलगेट ब्रश ब्रश ब्रूस हाँ नंबर 19 नंबर पे लिखे सर ब्रूस वाइपर 30 काम में लेते हैं क्या हाँ थाली नंबर प्लेट लिख दो सर हाँ नंबर चार नंबर पे लिखो सर स्पून विंडो नंबर 18 पे लिखो सर विंडो इसमें से और लिखा दो ओके तो वीरेंद्र बना आप भी लिखवा सकते हो एक नाम स्कॉर्पियो इधर 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 अब देखो ये चीज़ अपने काम में कहीं नहीं आती वैसे लेकिन बात जब ये होगी मेमोरी पावर की जब बात हो कि क्या इन चीज़ों को ऐसे कैसे विद सिक्वेंस याद करना हो तो पॉसिबल है या नहीं है तो अब आप 90 सेकंड आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 90 सेकंड मैं इनको एक बार रीड कर लेता हूँ ओके अब आप लोग पांच इधर से खड़े हो जाएं पांच उधर से खड़े हो जाएं पांच उधर से खड़े हो जाएं जोर से आपको बोलना है जोर से आपको नंबर बोलने एक से लेकर 30 तक कोई भी नंबर बोल सकते हो जिसपे लिखा है जिसपे नहीं लिखा है ओके बस बोर्ड के सामने नहीं हाँ ओके 24 सोप नंबर 6 सुरेश 15 कोलगेट 10 भारत 21 27 यार बिहार 2 नंबर अजीत 9 नंबर 17 नंबर वाइपर 30 नंबर 5 नंबर 29 पे क्या है हाँ अरे वो आगे पार्ट में चलेंगे आप आगे मत दौड़ो एक बार जो चीज़ें बताएं हाँ जयपुर 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 का मुझे याद नहीं आ रहा आप बता दें 25 ओके हाँ माइक 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 लिखवाया था क्या क्या बोलो 23 बोलो मत ना मैं भी याद कर लूँगा 23 ओके हाँ ग्वालियर 12 पे हाँ सूट सूट 14 एक व्यक्ति है कि पूछेगा 18 ओके चलो पांच 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 और खड़े हो जाएं जो खड़े हो गए वो मत हो ना बाकी दूसरे हो जाओ 5 इधर से 5 इधर से 5 इधर से अरे किड ओके चलो हो गए आप लोगों को नाम बोलने हैं मैं नंबर बताने की कोशिश करता हूँ ओके चलो आपसे स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो 24 लट
थ्री नंबर पे आगरा, आगरा नंबर था आपका 7। हाँ प्लेट 28 सूट नंबर 14 24 रोहित वन नंबर अकरम 17 जयपुर 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 का तो 25 सोप 6 नंबर 21 ओके चलिए आपको मैं उल्टे बताऊं कि सीधे बताऊं मतलब 30 से लेकर 1 तक या 1 से लेकर 30 तक 30 से एक ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्या ओके चलो मैच कर लेना आप लोग दिख रहे हैं 30 नंबर पे अपने वाइपर लिखा था 29 ब्लैंक था 28 पे ब्लेड लिखा था 27 अपना हनुमानगढ़ लिखा था 26 फिर ब्लैंक था 25 पे जयपुर लिखा था 24 अपने लिखा था स्कॉर्पियो 23 पे माइक लिखा था 22 अपना ब्लैंक था 21 पे बात लिखा था 20 नंबर फिर ब्लैंक 19 पे अपने लिखा था ये जो ब्रूस 18 पे अपन ने लिखा था विंडो 17 पे अक्रम आता है 16 अपना आता है 16 पे अपना आता है सूज ठीक है बाद में आता है 16 बाद में आता था 15 पे अपन ने लिखा था सुरेश 14 पे अपन ने लिखा था 14 अपन ने लिखा था सूट ठीक है 13 अपना आता है 13 अपना ब्लैंक आता है 12 पे अपने ग्वालियर लिखा था 11 फिर ब्लैंक आता है 10 नंबर पे अपन ने लिखा था कोलगेट 9 नंबर अपना आता है किसी का नाम लिखा था अजीत 8 नंबर पे अपन ने ब्लैंक आता है 7 नंबर पे अपने आगरा लिखा था 6 नंबर पे अपन ने लिखा था सो 5 नंबर पे अपन ने लिखा था शक्ति 4 नंबर अपन ने लिखा था स्पून 3 नंबर पे अपन ने लिखा था लट 2 नंबर पे अपन ने लिखा था 2 नंबर लिखा था बिहार और 1 नंबर पे रोहित अब आपको एक राज की बात और बता दूं मैं सिर्फ 12वीं पास हूं फर्स्ट ईयर में मेरे 3 पेपर बैक रहे थे सेकंड ईयर रोल और सब्जेक्ट फेलियर था मैं ठीक है किसकी वजह से नहीं पढ़ने की वजह से सही मेरे पास में ये मान सकते हो लाइन और लेंथ जब तक आदमी के पास में नहीं होते भाई सही दिशा और गाइडेंस अगर व्यक्ति के पास में नहीं होगा तो वह लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते और आप लोगों के पास में तो सबसे एक अच्छा मौका है कि आप लोग जिस जगह पे हो वहाँ पे दोनों चीज़ों आपको सही मिल रही हैं हम लोग एनर्जी कितनी लगा ले लेकिन सही दिशा में मैं बहुत अच्छा दौड़ सकता हूँ लेकिन सही दिशा में नहीं दौड़ रहा तब क्या हो कुछ नहीं होगा ठीक है और दिशा मेरी सही है लेकिन मुझे दौड़ना नहीं आता तब भी कुछ नहीं होगा तो कहने वाला सही अपने पास में दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है अपना पावर भी होना ज़रूरी है और राइट वे भी होना ज़रूरी है अगर ये दोनों चीज़ें अपने पास में नहीं होंगी तो हम लोग अपने टारगेट तक कभी भी नहीं पहुँच सकते अब चलो ये तो आ गया अब थोड़ा मुझे लग रहा है आपको क्लास में मज़ा आने लगा है हर व्यक्ति के अंदर इतना ही अनलिमिटेड पोटेंशियल पावर छुपा हुआ है सिर्फ ज़रूरी है कि हम लोग उसको बाहर निकालें कैसे और ये चीज़ें आती हैं पहला मैंने आपको बताया पॉजिटिव थॉट्स जब हम लोग सकारात्मक लोगों के साथ में रहेंगे सेकंड जो आता है वो आता है कि आप लोग अब से एक आदत डाल दें सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करने की और मेडिटेशन और उसमें कितने पावर्स होते हैं कि हम लोग बिलीव भी नहीं कर सकते मेडिटेशन में जितने पावर होते हैं मेडिटेशन के दम पे हम लोग बीमारियां ठीक कर लेते हैं मेडिटेशन के लोग दम पे अपने ब्रेन के पावर्स को बढ़ा लेते हैं मेडिटेशन के दम पे लोग अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ा लेते हैं कहने का मतलब क्या है मेडिटेशन और कैसे करें कैसे भाई सबसे डिफिकल्ट पार्ट तो ये आता है ना कि बोलने को तो कोई भी बोल दे कि भाई साहब मेडिटेशन करो आप ठीक मेडिटेशन करें कैसे ठीक